नमस्कार दोस्तों, स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेके आया हूँ फार्मासिस्ट एमसीक्यू 11 to 12। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी देखिए दोस्तों, रेलवे का एडमिट कार्ड आ चुके हैं, अभी रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप प्रिपरेशन कीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग ए होलसेल ड्रग स्टोर, मतलब अपन एक होलसेल जो ड्रग स्टोर खोलते हैं उसके लिए अपने को रिक्वायरमेंट मतलब कितनी बड़ी जगह की ज़रूरत होती है। देखो होलसेल वाला कौन से होता है, देखो होलसेल जो ड्रग स्टोर वाला होता है या फिर कोई भी शॉप होती है, वो कंपनी से माल उठाती है, बीच में एक मिडल मैन की भूमिका निभाती है, और फिर जो रिटेलर है उसको वो मेडिसिन या फिर कोई भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो सप्लाई करती है। तो द राइट आंसर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन बी 180 से 200 स्क्वायर जो फिर उसकी जगह है वो इसके लिए सूटेबल होगी। ठीक है, देखिए मेडिकल शॉप होती है उसके लिए तो होती है 10 वर्ग मीटर का न्यूनतम क्षेत्र होना चाहिए, और जो मेडिकल शॉप प्लस खुदरा या होलसेल जिसको बोलते हैं उसके लिए अपने को चाहिए कम से कम 15 वर्ग मीटर जो जगह उसके लिए। तो द राइट आंसर इज ए, सॉरी बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द राजस्थान फ्री ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या स्कीम स्टार्ट फ्रॉम, जो राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है वो शुरुआत कब हुई। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011, देखिए यह डॉक्टर समित मिश्रा इन्होंने इसको स्टार्ट किया था, मतलब ये बोल सकते हैं कि इसके सूत्रधार हैं या फिर मैन जो है वो यही है। ठीक है, ये देखिए दवा वितरण के अंदर, और अब तो वैसे बेनिफिट है क्योंकि राजस्थान में जो भी नई सरकार आई है अशोक गहलोत ने, उसने क्या किया है, उसने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में जो मेडिसिन है उसका क्राइटेरिया बढ़ा दिया, उसमें कैंसर है या हार्ट के पेशेंट उस तरह की मेडिसिन भी उसको जोड़ दिया है। इसके अलावा जो जाँच है सीटी स्कैन है इस तरह की जाँचें भी इसमें इंक्लूड कर दी है। तो ये जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये बढ़ता जा रहा है, और ज़्यादा वैकेंसी आ जाएगी तो जो बंदे फार्मासिस्ट की तैयारी कर लें उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एबीसी स्टैंड फॉर, व्हाट इज़ द एबीसी। तो द राइट आंसर इज ऑलवेज बेटर कंट्रोल, मतलब हमेशा से जो कंट्रोल है वो अच्छा कराया जाए। अब देखो इसको अपन बोल सकते हैं ड्रग्स इन्वेंट्री जो प्रबंध है उसके विभिन्न तरीके होते हैं। एबीसी का मतलब होता है हमेशा बेहतर और नियंत्रण, हमेशा बेहतर और नियंत्रण, मतलब कि जो कॉस्ट के अनुसार अपने जो वस्तुएं हैं उनको क्लासिफाई करने की एक ये जो सिस्टम होता है। जैसे अब देखिए, जैसे मान लीजिए ए टाइप की मेडिसिन है, ठीक है, बी टाइप की है और सी टाइप की है, क्वांटिटी 10% है, साल में इसका यूज कितना होता है 70%, तो कंट्रोल कैसा होना चाहिए, वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब इसको एकदम परफेक्ट कंट्रोल होना चाहिए, डेली इसका ऑर्डरिंग होना, डेली या फिर वीकली जो भी होना चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन 70% काम में आती हैं। और इनका स्टॉक है वो स्टॉक भी कम करना चाहिए, क्योंकि जो मेडिसिन रूटीन में काम आती हैं तो बड़ी अपन नई नई मेडिसिन मतलब एक्सपायरी का झंझट नहीं रहेगा, और जो सीनियर ऑफिसर हैं वो उसको हैंडल करते रहें। टाइप बी 20%, टाइप सी 70%। ठीक है, द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडीज, ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। द राइट आंसर इज 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको अपन या तो 37 डिग्री भी बोल सकते हैं, और मतलब ये अगर अबोव हो जाए जैसे 100 डिग्री है तो इसका मतलब है कि आपको बुखार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक मीन, क्लोजिंग स्टॉक से अपन क्या समझते हैं। द राइट आंसर इज अनसोल्ड स्टॉक, मतलब अभी तक जो माल है वो बिका नहीं, उसको बोलते हैं अपन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक होती है वो एक इन्वेंट्री की राशि होती है, जो एक अपना जो बिजनेस है जो अभी भी अपने हाथ में है, इसमें क्या होता है कच्चे माल के जो कार्य है उसकी प्रक्रिया होती है, वह तैयार माल है उसकी सूची शामिल होती है, और इससे क्या है क्लोजिंग स्टॉक है उसकी मात्रा का पता लगाया जा सकता है। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द शुगर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ सुक्रोज डाइजेशन आर, द शुगर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ सुक्रोज, जो सुक्रोज का डाइजेशन होता है और उससे जो शुगर बनती है वो कौन सी होती है, रिजल्ट में क्या होता है। तो द राइट आंसर इज माल्टोज एंड ग्लूकोज। देखिए जो अपना माउथ है हमारे मुंह में जो एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में आंशिक रूप से तोड़ देते हैं, वो अपना जो स्टमक है उसके अंदर जो एसिड होता है इसे नीचे और ज़्यादा तोड़ देता है। अधिकांश जो चीनी होती है उसका जो डाइजेशन होता है वो अपने मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है,
और जो सुक्रोज एंजाइम है ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज, सॉरी द राइट आंसर इज ए, सॉरी राइट आंसर इज ए, फ्रक्टोज एंड ग्लक्टोज। तो जो सुक्रोज एंजाइम होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिवाइड कर देता है। तो राइट आंसर इज ए, गलती से बी बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन इज ए कंपोनेंट ऑफ, जो विटामिन बी टू होता है ये किसका कंपोनेंट होता है? तो द राइट आंसर इज एफ ए डी, राइट आंसर इज बी। अब देखिए विटामिन बी टू किस किस से मिलता है, विटामिन बी टू हमें देखिए पत्ता गोभी होता है, एग होता है, दूध, टमाटर, नट्स होते हैं, इसके अलावा जो अन्य जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर मिलता है। और जो राइबोफ्लेविन होता है ये क्या काम में आता है? इट्स ए ग्रोथ एंड गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी, ये क्या काम में आता है? ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। और क्या काम करता है? हेल्प द बॉडी, अपनी बॉडी को ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन इनको तोड़ने में मदद करता है, और अपना जो शरीर है, अपना जो बॉडी है, बॉडी के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है कि अपना बॉडी ऑक्सीजन की उपयोग कर ले। एफ ए डी क्या होता है? इट्स ए फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड एक रेडॉक्स सक्रिय एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन के डेफिशिएंसी रिजल्ट इन द डिसऑर्डर, विटामिन के की जो डेफिशिएंसी होती है उससे कौन सी डिजीज हो जाती है? द राइट आंसर इज डिफेक्टिव ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन डी डिफेक्टिव ब्लड क्लॉटिंग। अब देखिए जो विटामिन के है किस किस से मिलता है, देखिए विटामिन के अपने को मिलता है ये जो ब्रोंकली होती है, इसके अलावा मटर होता है, इसके अलावा टमाटोज होता है। काम क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, अपनी बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और एक्टिवेट्स ए प्रोटीन नेम्ड ऑस्टियोकैल्सिन। ठीक है, अब देखिए कलर ब्लाइंडनेस क्या क्या होता है, इसमें क्या होता है अपनी आँखें वो ढंग से देख नहीं पाती हैं, कलर ब्लाइंडनेस। विटामिन के काम क्या करता है? रक्त के थक्कों की मदद करने में, वह अत्यधिक जो अपना ब्लड का जो स्त्राव होता है मतलब जो ब्लड लॉस होता है उसको रोकने में हेल्प करता है। विटामिन के क्या होता है? एक यौगिकों का समूह होता है जिसमें विटामिन के वन व विटामिन के टू पाया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन एक विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन जो सीधे तौर पर अपने ब्लड क्लॉट से जुड़ी होती है। ऑस्टियोकैल्सिन एक और प्रोटीन होता है जिसमें क्या होता है अपनी जो स्वस्थ बोन होती है उसके उत्पादन के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है, और जो विटामिन के है ये अपनी ऑल ओवर बॉडी के अंदर पाया जाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, गोइटर इज कॉज्ड, गोइटर होता है वो कौन सी डेफिशिएंसी, किसकी डेफिशिएंसी होता है? राइट आंसर इज बी आयोडीन, या आयोडीन की कमी से होता है। देखिए गोइटर में क्या होता है, अपनी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या इनलार्जेड मतलब कि अनियमित आकार में बढ़ जाती है आयोडीन की कमी से, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि। और जो थायराइड ग्रंथि है देखो एक तितली समान बटरफ्लाई शेप होती है, और ये अपनी गर्दन में स्थित होती है यहाँ पे, और क्या काम करती है, अगर बाय चांस मान लीजिए ये अगर इनलार्ज हो जाएगी तो क्या दिक्कत होगा, अपन जो कोई भी चीज़ खाते हैं उसको निगलते हैं या फिर सांस लेते हैं उसमें ये दिक्कत करने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजेनेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ, ग्लाइकोजेनेसिस इज द किसका सिंथेसिस है? द राइट आंसर इज ग्लाइकोजन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्लूकोज अणु हैं उनको भंडारण के लिए ग्लाइकोजन की श्रृंखलाओं में, ग्लाइकोजन की जो लेयर्स हैं उनमें इसको जोड़ा जाता है, श्रृंखलाओं में जोड़ते रहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की एक जो जैविक प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की एक प्रक्रिया होती है, और ये सबसे सिंपल कोशिकीय शुगर होती है, इट इज़ ए वेरी सिंपल कोशिकीय शुगर। तो द राइट आंसर इज सी ग्लाइकोजन। ओके थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए। नेक्स्ट MCQ 21 to 32 में आपके लिए, 30 अभी आपके लेके हाजिर होऊंगा। एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम आ रहा है अभी आपके सामने,
अभी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, उसके बाद में राजस्थान फार्मासिस्ट का, एंड उसके बाद में एम्स फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम भी होगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।